मेनका? समरसा? रसुक कट जा रही है तू? दादी सा, दरवाजे पे समरसा होंगे, मुझे देखना है। नहीं लाडो, समर आएगा तो हरे पास ही लौट के आएगा ना, नहीं होगा वहाँ, तू आराम कर। नहीं दादी सा, नहीं, मुझे देखना है। मेनका जी, ये कौन है जिसके साथ आपने अचानक से यूं ब्याह कर लिया? बताया भी नहीं, हम भी तो आपके परिवार जैसे ही है ना। इस मेंढक ने समर से शादी नहीं की? ये दूल्हा कौन है? दूल्हे को जानती है क्या? उसी को फोन लगा रही है। मेनका जी के साथ ब्याह कर लिया।�
मैंने तुम्हें के समझा था और तू के निकला। बहुत भरोसा करके सौंपी थी अपनी लाडू थारे हवाले। जो दिन दिखाया है हमें तारी इस हरकत के लिए मैं तने छोड़ूंगा नहीं शिवराज। जेल करवाऊंगा तने, जेल। बड़ी मुश्किल से मैंने यकीन किया था कि एक तू ही है जो मेरी बेटी को संभाल सकता है, और तूने ये साबित कर दिया कि तू न भरोसे के लायक कभी था और न कभी रहेगा। एक बीवी के होते हुए इतनी घटिया हरकत, तू मुझसे और मेरी बेटी से बदला लेना चाहता है, ये दिखाना चाहता है कि तू हमारा चाकर नहीं इस देवरिया का जमींदार है, हमें नीचा दिखाना चाहता है। इसी घटिया हरकत तूने कैसे की? समर और मेनका शादी कर रहे हैं क्योंकि मेनका समर की प्रेमिका है। वाह सिवा, आज तुमने साबित कर दिया कि तू सिर्फ नाम का सिवा ना है, सचमुच का सिवा है जिन्होंने सारा जहर अकेले ही पी लिया था। इसमें नई बात क्या है? ये तो इस खानदान की परंपरा है। बाप ने भी दो शादियां की थी, बेटे ने भी दो शादियां की है। भाई साहब, आपने ऐसा क्यों किया?